हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हम सावित्री की रसोई में। तो आज क्या है, आज नागपंचमी है, तो आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम नागपंचमी कैसे मनाएंगे और क्या-क्या बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो है लगभग 400 का पूरा हो चुका है। तो आज हम अपनी नागपंचमी का पूरे दिन का सेलिब्रेशन आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो एंजॉय करते हैं आज का दिन, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो लेना चाहिए। तो नागपंचमी हम कैसे मनाते हैं ये आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। तो लेट्स एंजॉय आज का सेलिब्रेशन। तो आज चलते हैं अपने किचन में। चलते क्या, किचन में ही है, देख लीजिए हमारे किचन की क्या दशा है। तो रात में हमने गुजिया बनाई थी, इसकी रेसिपी भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए मैंने कितनी सारी गुजिया बनाई है, पूरा एक क्या बोलते हैं इसको, पूरा भर के, सिकहुला बोलते हैं, सिकहुला हमारे यहाँ फैजाबाद में इसको सिकहुला बोलते हैं। सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है और ये रात में जो मैदा बच गया था उससे हमने नमक पारे बना दिए थोड़े से। इसको अभी अभी बच्चों ने चाय के साथ एंजॉय किया है। तो सबसे पहले हम अपनी किचन को क्लीन कर लेते हैं, सब सही कर लेते हैं, उसके बाद हम किचन में काम करना शुरू करेंगे। और हमने चने भी रख दिए हैं उबलने के लिए, और हम पनीर की भी सब्जी बनाएंगे। छोटी छोटी क्लिप आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे हम। आप लोगों को रेसिपी से ज़्यादा ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, लेकिन किचन हमारा चैनल किचन का है, रेसिपीज का है, तो हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज विशेष दिन है इसलिए हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो रेसिपीज़ के साथ आज दिन भर हम जो करेंगे, जैसे करेंगे, आप लोग के साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए पहले किचन क्लीन कर लेते हैं सारे सामान। अभी ये सारा हमको पीसना है, लाइट चली गई है, लाइट आ जाए तो हम इसको पीस लेते हैं। तो फिर हम अच्छे से अपने किचन को क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए किचन क्लीन करके फिर आपसे, देखिए मैंने किचन पूरी साफ कर ली है, आप देख सकते हैं। कुछ बर्तन हमने उधर समेट रख के रख दिया है। और ये देखिए किस चीज़ की घास है, ज़रा बताइएगा हमको नाम इसका, हमें नहीं मालूम, बहुत सुंदर लग रही है। तो गमले से निकाल के हमने इसको पानी में रख दिया है, देखते हैं कितने दिन तक रहती है। तो नागपंचमी का सेलिब्रेशन चल रहा है, सबके घर में चल रहा होगा। तो अब हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं। इधर देखिए मैंने पनीर को बड़ा बड़ा कट कर लिया है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन को पीस लिया है, पीस के इसका 1 चम्मच पेस्ट, थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ये सारा मिला के मैंने इसको रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। इसमें सारा जो मसाला है सोख लेगा ये। और इसको बनाने के लिए मैंने प्याज पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सारा नहीं पड़ेगा, ये तो मैंने पीस लिया है। और ये टमाटर भी मैंने पीस लिया है। अब इसी का यूज़ करके हम सब्जी बनाएंगे। सबको आती है, बस आप ऐसे देखते रहिए, अंदाज़ा लगाते रहिए कि हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं।
गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी को भूनेंगे अच्छे से। ये सारी सूजी हम नई गुजिया में डालेंगे, लेकिन भून के हम रख लेते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से कट करके भून लेंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे उसमें और अच्छे से हम इसको भून लेंगे। और चिरौंजी को भी हम इसके साथ में ही भून लेंगे, ताकि भूनने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम खोए को भी अच्छे से कढ़ाई में डालकर भून लेंगे, और भूनने के बाद इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब सारी चीज़ें भून गई हैं, अब हम गुजिया का मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने खोया को निकाल लिया है। अब इसमें हम आधी सूजी डालेंगे, गरी का बुरादा, मेवा, और फिर इसमें हम शक्कर डालेंगे। करीब आधा किलो शक्कर डाला है मैंने 1 किलो खोए में, और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा गुजिया का मसाला तैयार हो जाएगा। अभी हमने मैदा लिया है, इसमें हम घी मिलाएंगे, अच्छे से मोयन लगाएंगे इसका, और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और हम गुजिए का बैटर तैयार करेंगे, गुजिए का डो तैयार करेंगे, उसका आटा लगाएंगे, और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसका आटा लगा लेते हैं और अच्छे से इसका डो तैयार कर लेते हैं। अभी हमारा आटा तैयार हो गया है, अच्छे से इसको हमने मिला लिया है, और एकदम हमारा डो तैयार हो गया है। और ये है गुजिया बनाने वाली सांचे हैं, ये गुजिया गुठनी, इससे हम गुजिया बनाएंगे। इस तरह से हमने सारी गुजिया को फ्राई कर लिया है। तो देखिए हमने क्या क्या बनाया है, पनीर की सब्जी, छोले, और ये है बेसन की वो पकौड़ी है, जो बेसन की टिक्की बनाएंगे हम। इसके लिए हमने ये दही रखा हुआ है, जब ये खाने लगेंगे लोग, जब देना होगा तब उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे। इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया है, केवल पकौड़ी बनाई है, तो दही फुल्की बोलते हैं इसको। और ये है खीर, पूड़ी, सारी पूड़ी मैंने अभी नहीं बनाई है, चावल। तो इतनी सारी चीज़ हमने बनाई है आज नागपंचमी के लिए, तो सब में से हम थोड़ा थोड़ा निकाल कर रख देंगे, किसी जानवर को खिलाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसको खाएंगे। तो आप लोगों ने क्या किया नागपंचमी वाले दिन, आपने क्या क्या बनाया, अगर इसमें से कोई रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमको, हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए मैं पनीर की सब्जी का टेक्स्चर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, कितनी अच्छी बनी हुई है, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारी पनीर की सब्जी बनी है। और छोला भी हमारा बहुत ही अच्छा बना है, अभी हम उसको भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा छोला बना है। इसमें से आपको कोई सी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, नीचे ज़रूर
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यह है हमारी खीर, देखिए बहुत ही लच्छेदार खीर हमारी बनी है। तो बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर अभी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अभी खाना वाना खाने के बाद आपसे मिलेंगे। शाम हो चुकी है, सारे मेहमान भी चले गए हैं। हमने सोचा था कि आप लोग के साथ रेसिपीज़ की क्लिप शेयर करेंगे, पर जल्दी जल्दी में नहीं कर पाए हम, सारे रेसिपीज़ की क्लिप नहीं शेयर कर पाए। लेकिन अगर आपको पसंद आई है, देखने में ठीक ठाक लग रही है हमारी रेसिपी, तो अगर आप कहेंगे तो हम उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा नागपंचमी का दिन बीत गया, पता ही नहीं चला। सुबह से शाम तक काम करते करते और मेहमान आ गए, छोटी सी बच्ची थी उसके साथ समय बिताते हुए इतना अच्छा लगा कि दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा, बच्चे आए घर में। तो आपको हमारा ये वीडियो, हमारी गुजिया की रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आई है तो लोगों के साथ शेयर करिए। नए हैं आप चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे अच्छे टिप्स हम अपने चैनल पर लेके आते हैं और आते रहेंगे। फिर मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल को अपना साथ देते रहिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय।